ओके बेटा, चलिए आप लोगों ने बुक ओपन कर ली सभी ने। ओके, मैं भी अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ बेटा आपको। ठीक है, दिख रहा है बेटा स्क्रीन आप लोगों को? किसे किसे स्क्रीन दिख रहा है? हैंड रेस करिए, हैंड रेस करिए, किसे स्क्रीन दिख रहा है? ओके, वेरी गुड बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग, है ना। ओके तो हम लोग को क्या करना है बेटा, जो आपकी बुक है ना उसका पेज नंबर 44 ओपन करना है। क्या ओपन करना है बेटा? पेज नंबर 44। देखिए पेज नंबर 44 पे बेटा, मैंने आपको कल बोला था कि आपको जो ये है ना शॉर्ट सब्ट्रैक्शन, इसका प्रैक्टिस कर कर आना है। तो आप लोगों ने कर लिया होगा सभी ने, ठीक है, कर लिया है सभी ने? किसने किसने प्रैक्टिस किया है? हैंड रेस करिए। ओके, ठीक है बेटा, चलिए तो आज हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे थोड़ा सा और। ठीक है, मैं आप लोगों से पूछूंगा, आपको आंसर देना है। चलिए, सो थ्री में से बेटा टू को सब्ट्रैक्ट करना है, थ्री माइनस टू, तो आंसर कितना आएगा? फिंगर से शो करिए फास्ट, फिंगर से शो करिए सभी लोग। वन, वेरी गुड, कितना आंसर होगा बेटा? वन। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। वन में से जीरो को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा बेटा? वन, है ना बेटा? किसी भी नंबर में से जीरो को माइनस करना मतलब, जीरो मतलब क्या होता है? कुछ भी नहीं। तो अगर किसी भी नंबर में से कुछ भी नहीं माइनस करोगे, नथिंग, तो क्या बचेगा बेटा? वही सेम नंबर होगा ना आंसर, ना होगा वन। नेक्स्ट है बेटा, सिक्स में से थ्री माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? सब्ट्रैक्ट करिए और फिंगर से आंसर दीजिए। कितना बचेगा बेटा? थ्री, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। फोर में से थ्री को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा? वन। टू में से वन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बेटा कितना बचेगा? वन। थ्री में से थ्री को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा बेटा? जीरो। ओके चलिए, एट में से फोर को सब्ट्रैक्ट करना है बेटा, कितना बचेगा? फोर बचेगा। कितना बचेगा बेटा? फोर। ओके अब टेन में से बेटा फाइव सब्ट्रैक्ट करना है, टेन में से फाइव सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा बेटा? फाइव, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट बेटा, फोर में से वन को सब्ट्रैक्ट करना है, फोर में से वन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा बेटा? थ्री। फाइव में से बेटा टू को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी कितना आएगा बेटा? थ्री। ओके सेवन माइनस फाइव, हाउ मच? टू, वेरी गुड। इलेवन माइनस थ्री, एट, कितना हो जाएगा बेटा आंसर? एट, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट है बेटा, नाइन माइनस सेवन, टू, वेरी गुड। थर्टीन माइनस फाइव कितना होगा बेटा? एट, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट है, सिक्सटीन माइनस एट, 16 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा बेटा? 8 ही बचेगा। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 माइनस 8 कितना होगा बेटा? 5,
कितना होगा, 5। ओके वेरी गुड। नाउ 16 माइनस 11 कितना होगा बेटा, 5। 15 माइनस 7 15 में से 7 माइनस करिए बेटा, एट ना होगा बेटा आंसर, 8। उसके बाद 17 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करिए बेटा, व्हाट विल बी द आंसर बेटा, 8। ओके नाउ अगेन 16 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करिए बेटा, कितना आंसर होगा, 7। 10 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करिए बेटा, फास्ट, 3। ओके 14 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करिए बेटा, 8। ठीक है नाउ 0 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0। अब 12 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करिए बेटा, 6। कितना बचेगा, 6। ओके चलिए तो अब हम क्या करते हैं बेटा, आगे के जो क्वेश्चन है ना वो सॉल्व करते हैं। ओके तो देखिए आज हम लोग को देखना है बेटा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6। ओके तो देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है बेटा, 3 डिजिट का सब्ट्रैक्शन हम लोगों को देखना है, तो ये भी इजी है बेटा। देखिए सबसे पहले 5 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा बेटा आंसर, 5 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करिए 2, कितना होगा बेटा 2। नाउ 4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करिए बेटा, और में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा आंसर, 1। एंड 6 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बेटा 5। समझ में आया, कितना हो गया, 512। ओके अब चलिए एक नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं सॉल्व, फिर बाकी के जो 3 है ना वो आप करिएगा होमवर्क में सॉल्व। ओके चलिए 9 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बेटा कितना बचेगा, 7। अगेन नाउ 5 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1। अब बेटा देखिए यहाँ पर तो कोई नंबर है नहीं, तो आप चाहे तो यहाँ पे ऐसे 0 लिख सकते हैं, वरना नहीं भी लिखे तो देखिए यहाँ पे 3 है और नीचे कुछ भी नहीं है, तो 3 का 3 एज इट इज आ जाएगा। ओके बेटा अब ये तीनों जो क्वेश्चन है ना बेटा, ये आपका क्या है बेटा, दिस इज योर एच डब्ल्यू। ठीक है ये क्या बेटा आपका एच डब्ल्यू। ओके अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा प्रैक्टिस। ओके बेटा अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है बेटा, रीग्रुपिंग टेंस इनटू वंस, है ना। तो रीग्रुपिंग पहले देखते हैं बेटा कि रीग्रुपिंग क्या होती है ना, इसको समझते हैं।
देखिए रीग्रुपिंग में क्या होता है, रीग्रुपिंग में जैसे स्टार्टिंग में हम लोगों ने पढ़ा था कि कितने वंस को मिलाएं तो एक टेंस बनता है बेटा। तो आप लोगों को ये बात पता होगी कि जब जब 10 वंस हो जाते हैं ना बेटा, तो वो किसके इक्वल होता है, 1 10 के। किसके इक्वल होता है बेटा, 1 10 के, ठीक है। और जब 10 10s हो जाता है ना बेटा, तो वो किसके इक्वल होता है, 100 के। ये बात आप लोग को याद है, ओके। इसी के बिहाफ पे बेटा हमें सॉल्व करना है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे यहाँ पे क्या लिखा है बेटा, 110 5 वंस। तो 110 मतलब क्या बेटा, ये जो 110 लिखा है, 110 लिखा है, 110 की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 वंस। देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, 10 वंस, ओके बेटा। और यहाँ पे पहले से कितने वंस है, 5 वंस, 5 वंस। तो टोटल बेटा कितने वंस हो गए, टोटल हम लोग बोल सकते हैं कितने वंस हो गए, 15 वंस। क्लियर है बेटा ये बात, टोटल कितने वंस हो गए, 15 वंस हो गए, ओके। तो हमने क्या किया, टेंस को रीग्रुप कर दिया किस में बेटा, वंस में, ओके। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, 110 7 वंस। तो 110 में क्या लिख सकते हैं बेटा, 10 वंस और 7 वंस, मतलब कितना हो गया बेटा, ऐड करने पे टोटल कितना हो जाएगा, 17 वंस। कितना हो जाएगा, 17 वंस, ठीक है बेटा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे लिखा है बेटा 5 टेंस और 6 वंस। तो हमें क्या पता है बेटा, 5 टेंस में आप क्या कर सकते हैं, 5 टेंस में से 1 टेंस निकाल के हम लोग इसको दे सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 16 वंस। समझ में आया बेटा, देखिए 5 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ, एक तो लिख दू 4 टेंस, क्या लिख दू बेटा, 4 टेंस। और 4 टेंस के बाद 1 10 मैंने अलग से निकाल लिया है, तो अब इस 110 की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, इसके प्लेस पे मैं लिख सकता हूँ ना, 110 किसके इक्वल होता है, 10 वंस के। तो मैंने 110 की जगह पे क्या लिख दिया बेटा, 10 वंस। और 10 वंस में 6 वंस जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 वंस। और ये 4 टेंस एज इट इज, समझ में आया, ओके। अब जैसे यहाँ पर कितना लिखा है, 6 टेंस। तो 6 टेंस को बेटा मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं लिख लूंगा 5 टेंस और 110। जो 110 होगा ना बेटा, वो क्या लिख दूंगा मैं उस 110 को, 110 को क्या लिख दूंगा बेटा, 110 को लिख दूंगा, 110 को हम लोग लिख देंगे बेटा 10 वंस। कितना लिख देंगे, 10 वंस, ओके। तो 10 वंस में 3 वन जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 वंस। और टेंस कितना बचेगा, 5 टेंस। समझ में आया बेटा। तो ऐसे ही आपको क्या करना है बेटा, जो तो क्वेश्चन नंबर डी है ना, उसमें आपको रीग्रुप करना है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले देखिए 378 लिखा है बेटा, तो यहाँ पे देखिए जो 8 है बेटा, 8 वंस है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो है ना टेंस प्लेस पे, ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा बेटा 10 में से 1 कम कर देंगे तो 6 टेंस हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 टेंस। और यहाँ से जो 110 हमने निकाला है ना, 110 को क्या लिख सकते हैं, 10 वंस। और उसको 8 में प्लस करेंगे तो कितने वंस हो जाएंगे बेटा, 18 वंस। समझ में आया। वैसे यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा, 5 टेंस, ओके। कितना हो गया, 5 टेंस। और वंस कितना हो जाएगा बेटा, 16 वंस। समझ में आया, इस तरीके से बेटा आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, क्लियर है। तो चलिए सी वाला क्वेश्चन सॉल्व करिए, तो आप लोग जल्दी से फास्ट।
वाला क्वेश्चन बेटा ये वाला सॉल्व करना है, ठीक है। इसमें रीग्रुप करना है टेंस को वंस में, ओके बेटा, ठीक है। देखिए ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 टेंस है तो 1 टेंस कम कर देंगे मतलब 2 टेंस, और ये 4 है तो 1 टेन इसमें जुड़ेगा, वंस बन के तो कितना हो जाएगा 14 वंस, ठीक है बेटा। अब यहाँ के जो रिमेनिंग क्वेश्चन है बेटा वो आपको घर से करके लाना है, ओके। उसके बाद बेटा यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ना ये आपको सॉल्व करना है, ये कैरी वाले क्वेश्चन है तो एक क्वेश्चन में करा रहा हूँ, बाकी के क्वेश्चन आपको घर से सॉल्व करना, ठीक है। तो देखिए 3 में से 6 सब्ट्रैक्ट होगा क्या, नहीं, तो ये 7 से कहेगा मुझे एक नंबर बोर्ड दे दो, तो ये इसको एक नंबर देगा तो ये कितना हो जाएगा बेटा 13, कितना हो गया 13, और ये कितना हो जाएगा बेटा 6, ठीक है। अब 13 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा बेटा, कितना बचेगा 7, ओके। अब यहाँ पे कितना लिखा है, 6 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1, और 5 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3, समझ में आया, 317 इसका आंसर हो गया। ऐसे ही बेटा आपको ये सारे क्वेश्चन क्या करना है, होमवर्क में करके लाना है। क्या करके लाना है बेटा, होमवर्क में ये सारे क्वेश्चन बेटा आपको करके लाना है, ओके, समझ में आया। अब जैसे बेटा हमने क्या किया है, अब चलिए आगे देखिए बेटा, ये सब आपको ये क्वेश्चंस होमवर्क में करके लाना है, ठीक है। जैसे हमने क्या किया, टेंस को वंस में रीग्रुप किया, वैसे ही बेटा अब 100 को किस में रीग्रुप करेंगे, टेंस में। तो आपको क्या पता होना चाहिए कि जब बेटा 10 टेंस हो जाते हैं तो वो किसके इक्वल होते हैं, 100 के, ओके। बस इसी के बिहाफ पे आपको सॉल्व करना है, ये याद रखना, ओके। तो देखिए 105 टेंस, तो 100 के प्लेस पे बेटा मैं क्या लिख सकता हूँ, 100 को लिख सकता हूँ मैं 10 टेंस, और पहले से कितने टेंस थे मेरे पास, 5 टेंस, तो टोटल कितने टेंस हो गए, 15 टेंस। ऐसे ही 406 टेंस लिखा है, तो 400 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 300 प्लस 100, और जो 100 है बेटा 100 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 100 को लिख सकता हूँ मैं 10 टेंस। तो अब टेंस वाले को ऐड कर देंगे तो 10 टेंस प्लस 6 टेंस कितना हो गया, 16 टेंस, समझ में आया। और ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, बाकी के क्वेश्चन को भी बेटा सॉल्व कर लेंगे, ओके। देखिए अब यहाँ पे क्या है बेटा, 700 है और 0 टेंस है, तो 700 को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, 600 और 10 टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे 10 टेंस में 0 टेंस प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 टेंस, समझ में आया। तो ये क्वेश्चन नंबर F, ये भी आपको बेटा सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 100 कितना है बेटा, 500 है, तो ये हो जाएगा 400, और टेंस कितना है, 7 टेंस है, तो उसमें 10 टेंस प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 17, समझ में आया। इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो मैंने आपको होमवर्क में बेटा क्या क्या क्वेश्चन दिए, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ। देखिए एक तो ये वाला क्वेश्चन दिया है बेटा, ये क्वेश्चंस, उसके बाद ये वाला क्वेश्चन दिया है बेटा, बी ग्रुप करना है टेंस को वंस में, पेज नंबर 46, और इसके पीछे वाला पेज नंबर 45। उसके बाद पेज नंबर 47 पे बेटा क्वेश्चन नंबर ई के क्वेश्चन दिए और क्वेश्चन नंबर एफ के क्वेश्चन, ठीक है, समझ में आई इतनी बात, है ना। तो ये आपको होमवर्क में करके लाना है। चलिए अटेंडेंस लगा दी बेटा सभी ने, अटेंडेंस लगा दीजिए पास।
पास्ट, टू योर अटेंडेंस, चलिए अभी ने अटेंडेंस लगा दिया, हैंड रेस करिए किसने किसने अटेंडेंस लगा दिया। ओके ठीक है बेटा, अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके चलिए, बाय बाय।